YouTube पे तुम्हें काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो तुम्हें बताती हैं कि कैसे हम अपने Instagram पेज को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक मांगती है प्रूफ। ओके तो गाइस, सबसे पहले हम अपने Instagram को ओपन कर लेते हैं और जैसा कि तुम देख ही सकते हो, सबसे पहले हमें 100 लाइक्स यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। ये मैं तुम्हें प्रूफ के तौर पर दिखा रहा हूँ कि हाँ, मेरी रील्स वायरल होती हैं, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देने के लायक हूँ। एंड अगर मैं तुम्हें ग्रोथ दिखाऊं, बेसिकली ये सब मैंने पिछली वीडियो में भी बता के रखा है तुम्हें। और 500 फॉलोअर्स मैंने 3 हफ्ते पहले ही कंप्लीट करे हैं, और उसके बाद मैंने 3 वीक्स पहले एक मेरी रील वायरल हुई थी जो कि 10K के पार हो चुकी थी। उसके बाद 100K के पार हुई एक रील, एंड सिर्फ 5 दिनों में मैंने 15K फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए थे, और 15K फॉलोअर्स होने के 2 दिन बाद ही 20K फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके थे। और आज की इस वीडियो में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं जिसके सुनकर तुम्हारे फेस के ऊपर काफी ज्यादा प्रसन्नता दिखने वाली है। तो देखो यार, इंस्टाग्राम के ऊपर काफी सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि आखिर आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा जल्दी कैसे बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक फुल कोर्स लेके आ रहा हूं, रील को फाइंड करने से लेकर के रील को अपलोड करने तक सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा। और ये पूरा कोर्स रील्स के ऊपर ही रहेगा, कैसे तुम्हें टेक्स्ट फाइंड करने हैं, कैसे तुम्हें रील्स फाइंड करनी है, A to Z प्रोसेस तुम्हें बताया जाएगा, और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। वैसे आज की इस वीडियो में भी मैं तुम्हें थोड़ी सी शुरुआत करके दिखा देता हूं। सबसे पहले तुम्हें एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है ऑन Instagram, उसके बाद तुमने उसका एक यूजर नेम सेट कर लेना है। यूजर नेम ऐसा हो ताकि लोग उसको सर्च कर पाए। जैसा कि अगर लोगों को चाहिए कि मोटिवेशनल रील्स हमें देख रही है, तो तुम्हारा यूजर नेम भी मोटिवेशन के रिलेटेड ही होना चाहिए। अपना दिमाग लगा के तुम यहाँ पे यूजर नेम रख सकते हो ताकि लोग यूजर नेम पढ़ते ही समझ जाएं कि ये पेज इस कैटेगरी के रिलेटेड है। जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि मैंने भी एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिया है और तुम्हारे सामने उसको ग्रो करके भी दिखाऊंगा। सब कुछ सारी की सारी स्ट्रेटजीज उसी के ऊपर अप्लाइड होंगी। तो मैंने भी एक यूजर नेम सेट कर लिया है, विच इज सफलता जिस ओर। बेसिकली ये एक हिंदी मोटिवेशनल पेज रहेगा, तुम इंग्लिश में बनाओ या हिंदी में बनाओ, प्रोसेस सेम रहेगा। उसके बाद तुम्हें बायो में जाना है और यहाँ पे तुम्हें लिख लेना है कमिंग सून, और अपनी डीपी में भी तुम्हें ये लिख लेना है कमिंग सून कि हाँ, ये डीपी भी जल्द बनने वाली है, और बायो में भी सब कुछ लिखा जाएगा। और एक काम तुम्हें और कर लेना है, मेरे इस अकाउंट के ऊपर तुम्हें जाना है, विच इज सफलता जिस ओर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देन तुमने इसकी फॉलोइंग चेक करनी है, जितने भी पेजेस मैंने फॉलो किए होंगे ना, तुम्हें उन सबको फॉलो कर लेना है। अगर तुम हिंदी मोटिवेशनल पेज बना रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें फॉलोइंग लिस्ट में हिंदी मोटिवेशनल पेजेस भी मिल जाएंगे, तुम इनको फॉलो कर सकते हो। और अगर इंग्लिश बना रहे हो तो तुम्हें सर्च करके इंग्लिश मोटिवेशनल पेज को फॉलो कर लेना होगा, या तुम जा सकते हो मेरे मनी शेकल वाले पेज के ऊपर, उसकी फॉलोइंग चेक करने के बाद तुम वहां पे इंग्लिश मोटिवेशनल पेजेस को फॉलो कर सकते हो। और हाँ, आज के लिए तुम्हें बस इतना ही करना है, मैं फिर से रिपीट कर लूं, तुम्हें एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद एक तगड़ा सा यूजर नेम सेट करना है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, उसके बाद तुम्हें बायो में लिख लेना है कमिंग सून, और एक डीपी सेट कर लो जिसके ऊपर लिखा होगा कमिंग सून कि हाँ, ये सब चीजें जल्द आ रही हैं। उसके बाद तुम्हें अपनी कैटेगरी के रिलेटेड 10 या 12 अकाउंट्स को फॉलो कर लेना होगा। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे तुम अपने इंस्टाग्राम पेज को सेटअप कर सकते हो, और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम इंस्टाग्राम मोटिवेशनल पेज के लिए मोटिवेशनल रील्स प्लस कोट्स फाइंड करोगे। तो चले, लेट्स गो। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि डिफरेंट डिफरेंट रील्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला कि एक ही जगह पे तुम्हें सारा का सारा मटेरियल मिल जाए, तुम्हें अलग अलग रील के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। और जो मेरे पर्सनली सोर्सेज हैं रील्स प्लस कोर्स के लिए, वो सारे के सारे तुम्हारे साथ शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें बताया जाएगा कि कैसे तुम अपने इंस्टाग्राम के लिए कोर्स फाइंड करोगे। तो सबसे पहले तुम्हें चले जाना होगा अपने इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज में, एंड यहाँ पे तुम्हें काफी सारी मोटिवेशनल लाइंस मिल जाएंगी जिनको तुम यूज करके अपनी मोटिवेशनल रील्स को बना सकते हो। तो सबसे पहला सोर्स हमारा यही रहता है, विच इज इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज। यहाँ पे तुम्हें काफी सारे कोट्स मिल जाएंगे, कोट्स फाइंड करने के लिए दूसरा तरीका। तुम्हें क्या करना होगा, अपने सर्च बार में चले जाना होगा और यहाँ पे सिंपली टाइप कर लेना होगा मोटिवेशनल कोट्स एंड देन सर्च, और तुम्हारे सामने काफी सारी मोटिवेशनल लाइंस तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगी। तुम इनको यूज करके अपनी मोटिवेशनल रील्स को बना सकते हो। एंड अगर हम बात करें थर्ड मेथड की, तो इजिली मोटिवेशनल सर्च करके इसके आगे लिख लेना होगा कोट्स एंड देन गो टू टैग्स। तुम इन टैग्स की हेल्प से भी अपनी मोटिवेशनल लाइंस को फाइंड कर सकते हो। तुम्हें काफी सारी यहाँ पे लाइंस दिख जाएंगी। एंड अब मैं तुम्हें एक और तरीका बता देता हूँ, जब मुझे इंस्टाग्राम पर कोई भी मोटिवेशनल कोट्स ना मिले तो मैं इजिली क्या करता हूँ, गूगल पे चले जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इजिली सर्च करता हूँ मोटिवेशनल कोट्स, एंड यहाँ पे तुम्हारे सामने काफी सारे आर्टिकल शो हो जाएंगे। अदरवाइज गो टू इमेजेस, एंड यहाँ पे भी तुम्हें काफी सारे मोटिवेशनल लाइंस नजर आ जाएंगी।
एंड यहाँ पे यहाँ तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज तुम इसको लिख के रख लो। तो अब बात कर लेते हैं आखिर तुम अपनी रील्स को कैसे फाइंड करोगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले मेथड की तरफ। बेसिकली ये मेथड नहीं रहेगा, ऐसे रैंडमली हम बैठ जाते हैं जब रील्स स्वाइप अप करने, तो उनमें से भी तुम्हें कई सारी रील्स मिल जाती हैं। दिमाग तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल तुम ऐसे ही रील्स वगैरह देख रहे हो तो तुम्हारे सामने कोई ऐसी रील आ जाती है जिस पर तुम्हें लगता है कि हाँ इस रील पर मैं कोट लिख सकता हूँ। एंड नाउ यहाँ पे तुम्हें रील तो मिल चुकी है, लेकिन इसके ऊपर तुम कोट आखिर कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले तुम्हें रील्स की भावनाओं को समझना होगा कि इस रील में आखिर दर्शाया क्या गया है, इसमें रिजल्ट आखिर क्या है। तुम देख ही सकते हो ये लग्जरी कार्स, तो इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद इस बंदे ने इन कार्स को अचीव कर लिया है। तो सबसे पहले तुम जा सकते हो अपने सर्च बार में एंड एक्सप्लोर पेज में ही तुम्हें काफी सारे कोट्स दिख जाएंगे। अगर तुम्हें यहाँ पे ही कोई कोट दिख जाता है तो सही बात है, तुम इजिली यहाँ से कोट को उठा के अपनी रील के ऊपर पेश करके बना सकते हो। अदरवाइज तुम्हें यहाँ पे भी कोई कोड नहीं मिलता तो इजिली तुम जा सकते हो गूगल पे एंड वहां से कोड उठा करके अपनी रील के ऊपर चिपका सकते हो। नाउ गो स्ट्रेट ओवर सेकंड मेथड। तो तुम्हें करना क्या है, कोई भी मोटिवेशनल पेज के ऊपर चले जाना होगा और उसकी रील्स वगैरह देखनी है इजिली। और उसके बाद तुम्हें अगर कोई अच्छी रील लग भी जाती है और तुम्हें उसकी बैकग्राउंड वीडियो चाहिए तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, उसके कैप्शन में चले जाना होगा। कई सारे क्रिएटर ऐसा करते हैं कि जिसकी वो वीडियो रहती है उसको वो मेंशन कर रखते हैं अपने कैप्शन में, तो तुम्हें उस बंदे के कैप्शन को जरूर से फाइंड करना है। एंड अगर तुम्हें वहां पे यूजर नेम मिल जाता है तो इजिली तुम उसके अकाउंट पर जा करके उस रील को डाउनलोड करके अपने खुद के टेक्स्ट चिपका करके अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज तुम उस वीडियो के कमेंट्स में जाओ, क्या पता उस क्रिएटर को पिन किया हो इन द कमेंट, तो दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हम अपने मेथड नंबर 3 की तरफ। और ये सारे मेथड्स मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे को किसी ने बताया ही नहीं है। जो मैं अपनी रील्स को फाइंड करते समय करता हूँ वो सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब होगा क्या कि तुम रील्स वगैरह देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारे सामने एक रैंडम रील आ गई जिसके ऊपर तुम्हें कोट्स काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और तुम्हारे मन ही मन में एक कहानी तैयार हो चुकी होगी कि मैं भी इस टाइप की रील बना सकता हूं। तो इजीली तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे एक तो सैड फेस वाली वीडियो चाहिए और दूसरी चाहिए कार वगैरह की वीडियो। तो सबसे पहले तुम्हें सर्च कर लेना होगा ऑन इंस्टाग्राम। अगर तुम्हें यहाँ पे वीडियो मिल जाती है तो काफी अच्छी बात है, अदरवाइज तुम जा सकते हो गूगल पे एंड यहाँ पे तुम्हें सर्च कर लेना होगा pexel.com एंड देन यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो सैड एंड देन गो टू वीडियोस। और यहाँ पे तुम्हें फिल्टर्स में चले जाना होगा एंड देन गो टू ऑल ओरिजिनल्स एंड देन सिलेक्ट वर्टिकल, क्योंकि तुम्हारी रील का साइज रहता है वर्टिकल। तो यहाँ पे तुम्हें जितनी भी सैड वीडियोस रहेंगी ना, तो अगर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कार्स, तो तुम्हारे सामने कार्स की भी काफी सारी वीडियोस आ जाएंगी। तुम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी रील में चिपका सकते हो। एंड अगर तुम्हें यहाँ पे इतनी अच्छी वीडियोस नहीं मिलती हैं तो इजिली तुम्हें चले जाना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर और यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो, कोई भी कार का नाम लिख लो और यहाँ पे भी तुम्हें काफी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी लाइक ये। तो मेथड नंबर 4 होता क्या है कि कभी कभार तुम्हें इस तरह की वीडियो भी मिल जाती है जिसमें टेक्स्ट और स्पीच दोनों इक्वल रहती है। यहाँ पे बंदा बोल रहा होता है और उसके टेक्स्ट स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो इस तरह की वीडियोस आखिर तुम्हें कैसे चाहिए? बेसिकली तुम्हें अगर यही वीडियो चाहिए कि हाँ मुझे भी यही वीडियो चाहिए और मैं इसके ऊपर और अच्छे से टेक्स्ट लिखकर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, तो उसके लिए तुम्हें करना क्या है, जो भी उस बंदे ने बोला है उसकी फर्स्ट लाइन तुम्हें यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेनी होगी और तुम्हारे सामने काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तुम्हें उसकी ओरिजिनल वीडियो को फाइंड कर लेना होगा, तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। देन उसको एडिट करने के बाद, टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के बाद अपलोड कर डालो ऑन योर इंस्टाग्राम पेज। इन शॉर्ट टर्म मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ज़्यादा कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज, सेकेंड मेरा रहता है सर्च बाय हैशटैग, थर्ड मेरा रहता है pexel.com और फोर्थ मेरा रहता है खुद इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर मैं स्वाइप अप करते रहता हूँ और कहीं ना कहीं मेरे को कोई रील मिल ही जाती है जिसके ऊपर मैं अपने दिमाग से टेक्स्ट ऐड करके उसको अपलोड करवा। बेसिकली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि रील प्लस कोड को फाइंड करने के बाद आखिर हम अपनी रील को एडिट कैसे करें, कौन से टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, मतलब ओवरऑल एडिट कैसे करें एंड रील को अपलोड करने का सही तरीका भी बताऊंगा, हैशटैग वगैरह कैसे अप्लाई करें, सब कुछ अगली वीडियो में रहने वाला है। इंस्टाग्राम मोटिवेशनल पेज के लिए रील्स प्लस कोट्स फाइंड करने के बाद हमारा जो मेन काम रहता है ना, वो रहता है उस कोट को हमारी रील के ऊपर कैसे चिपकाएं, मतलब कुछ इस टाइप की रील हम कैसे बना सकते हैं, ये टेक्स्ट हमें कहाँ से मिलेंगे, ये बैकग्राउंड रील्स कहाँ से मिलेंगी। तो मोटिवेशनल रील्स को बनाने के लिए हम यूज करेंगे VN एप्लीकेशन, तो चलें लेट्स गो। एंड मैं तुम्हें इस रील को एडिट करके दिखाऊंगा जो कि मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर सबसे ज्यादा वायरल भी गई है। इस रील के ऊपर 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं और 4.3 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। तो इस
रील को आखिर मैंने कैसे एडिट किया था, सारा का सारा प्रोसेस तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो VN एप्लीकेशन में हमारी रील आ चुकी है। सबसे पहले तुम्हें टेक्स्ट में चले जाना होगा और अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देना होगा। इसके बाद तुम्हें इनको एडजस्ट कर लेना होगा अच्छे से। सबसे पहले इसको स्टार्टिंग में लेके आते हैं एंड देन इसको ठीक इसके पीछे। और अब तुम देख सकते हो कि टेक्स्ट हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन रील अभी भी बाकी है। यहाँ पे तुम या तो इस रील को स्प्लिट कर लो और ये एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर लो, अदरवाइज तुम इस रील की स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हो, इससे भी इसकी लेंथ कम हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें करना क्या है, अपने टेक्स्ट को फॉन्ट देना है। एंड मैं यहाँ पे योर फॉन्ट यूज करता हूँ, वो ये रहा, तुम देख ही सकते हो। और इसका साइज हम रखेंगे 25 से लेकर के 30 तक। एंड देन यहां से तुम्हें अप्लाई टू ऑल कर लेना होगा। और अब तुम देखोगे ये फॉन्ट हर एक लाइन के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अपने टेक्स्ट को ब्लो अप करने के लिए तुम्हें अपनी रील को थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी रील भी लाइटिंग रहेगी और तुम्हारे टेक्स्ट भी वाइट है तो दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे और देखने वालों को पता नहीं चलेगा कि टेक्स्ट कहाँ पे है और रील कहाँ पे है। इसलिए तुम्हें अपनी रील को थोड़ा सा डार्क रखना है और अपने टेक्स्ट बिल्कुल वाइट रखने हैं। तो बैकग्राउंड रील को डार्क करने के लिए इजी अपनी क्लिप के ऊपर टैप करो एंड देन गो टू फिल्टर्स एंड देन गो टू एडजस्ट। और यहाँ से तुम्हें इसका एक्सपोजर डाउन कर लेना होगा, देन टेक। और अब तुम्हें अपनी पहली लाइन के ऊपर टैप करना होगा एंड देन गो टू मोशन एंड देन इन एनिमेशन में जाकर देन सेलेक्ट फेड और इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम कर लेना एंड देन आउट एनिमेशन देन ऑल्सो फेड और इसकी ड्यूरेशन भी थोड़ी सी कम कर लेना देन अप्लाई टू ऑल। अब तुम देखोगे जब दूसरा टेक्स्ट शुरू होता है तो उसके बीच में तुम्हें फेड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद अब तुम्हें अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पे लगाना होगा। तो इजिली गो टू टेक्स्ट, यहाँ पे अपने यूजर नेम को टाइप कर लो एंड देन इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर लो। अब तुम्हें फॉन्ट में चले जाना होगा और इसका फॉन्ट तुम्हें डिफॉल्ट ही रहने देना है एंड देन इसका साइज तुम्हें डिक्रीज कर लेना होगा। तुम्हें 5-10 के बिटवीन ही रखना है इसका साइज। देन गो टू कलर्स एंड देन कर्न, इसको तुम्हें थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना होगा। अब तुम्हें यूजर नेम को इन टेक्स्ट के ठीक नीचे रखना होगा। एंड अब तुम्हें यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर ये हमें टेक्स्ट फॉन्ट कहाँ से मिलेगा, तो ये तुम्हें एक्सटर्नली ऐड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ऐड कैसे करेंगे, सिंपली तुम्हें टेक्स्ट के ऊपर टैप करना है एंड देन गो टू टेक्स्ट एंड देन फॉन्ट और यहाँ पे तुम्हें ये प्लस वाला आइकन नजर आएगा, सिंपली टैप ऑन इट एंड इस टेक्स्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें यहाँ पे टेक्स्ट शो हो जाएगा, इजिली तुम्हें उसके ऊपर टैप करना है और ये तुम्हारी VN एप्लीकेशन में हाजिर हो जाएगा। अब तुम्हें अपने इस रील को एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट इस तरीके से कर रहे हैं कि तुम्हारी रील की क्वालिटी बिल्कुल भी लोज ना हो। सिंपली क्लिक ऑन एक्सपोर्ट ऑप्शन एंड देन यहाँ पे तुम सेटिंग्स देख सकते हो। तुम यहाँ पे 2K या 1080p पिक्सल का यूज कर सकते हो। FPS पूरा का पूरा 60 रहेगा और बिट रेट भी हाई रहेगा, देन टेक। और तुम्हारी रील एक्सपोर्ट होती चलेगी इन योर गैलरी। जिनको नहीं पता, ये हमारे कोर्स की पार्ट 3 वीडियो थी। अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके पहले वो भी देखो, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हम अपने इंस्टाग्राम मोटिवेशनल पेज को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो तुमने रील्स के लिए कंटेंट भी ढूंढ लिया और उसको अच्छे से एडिट भी कर लिया काफी ज्यादा मेहनत के बाद, लेकिन एक गलती रील को अपलोड करते टाइम सारी मेहनत को बेकार कर देती है। बाद में पछताने से अच्छा है उस गलती को सुधार लेना। डेट्स में आज के इस वीडियो का टॉपिक भी यही है, रील को अपलोड करने का सही तरीका। हैशटैग कब और कितने लगाएं, कैप्शन क्या ऐड करें, सब कुछ इसी वीडियो में। तो चलें, लेट्स गो। जब तुम इस वाले पेज के ऊपर पहुंच जाते हो तो यहाँ पे ही हमारा सारा का सारा खेल शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई मोटिवेशनल रील अपलोड कर रहे हो तो तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि मुझे कुछ इस तरह का कैप्शन ऐड करना है जिससे लोग अपने दोस्तों को भी इस रील में टैग करें। वो कैसे कर सकते हैं, लाइक तुम यहाँ पे कैप्शन इसका देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टैग योर राइट पर्सन और ये पूरा पूरा मैच कर रहा है मेरी इंस्टाग्राम रील के साथ। दैट्स व्हाई तुम्हें भी कुछ इस तरह का ही कैप्शन ऐड करना है जिससे लोग और लोगों को भी तुम्हारी रील में टैग करें। तुम देख ही सकते हो कमेंट में जा करके काफी सारे लोगों ने अपने पार्टनर को यहाँ पे टैग करके रखा है। इससे फायदा मुझे ये हुआ, जो भी इस रील के ऊपर आएगा वो जरूर से मेरा अकाउंट तो चेक करेगा ही, और अगर उसे अकाउंट अच्छा लग जाता है तो वो फॉलो भी मुझे जरूर से करेगा। एंड अब मैं तुम्हारा हैशटैग के रिलेटेड सारा का सारा डाउट क्लियर कर लेता हूँ। काफी सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आखिर हम किस टाइप के हैशटैग ऐड करें और कितने ऐड करें। सबसे पहले तुम्हें हैशटैग को ज्यादा यूज करना ही नहीं है, अपनी रील में
में तुम्हें सिर्फ 10 या 12 टैग्स का ही यूज करना है। एंड अगर तुम्हारा भी मोटिवेशनल पेज है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें पूरा का पूरा फॉर्मेट दे रखा है जिसको तुम अपनी मोटिवेशनल रील्स के लिए यूज कर सकते हो। एंड अगर किसी की और कैटेगरी है तो उसमें तुम्हारे 5 हैशटैग रहेंगे नीच के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कॉमेडी वीडियो है तो हैशटैग लगा के तुम कॉमेडी लिख सकते हो, उसके बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम सजेस्ट करेगा इस कीवर्ड के रिलेटेड हैशटैग। तो तुम्हें पहले 5 हैशटैग को अपने कैप्शन में ऐड कर लेने होंगे एंड उसके बाद 5 हैशटैग रहेंगे तुम्हारी रील के रिलेटेड। जो तुमने अपनी रील में दर्शाया होगा उसको तुमने मेंशन करना है थ्रू हैशटैग। फॉर एग्जांपल तुम किसी फेमस जगह पे जा करके अपनी रील को शूट कर रहे हो तो उस प्लेस का नाम भी तुम्हें मेंशन करना होगा थ्रू हैशटैग। अच्छा तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे यूज ऑडियो करना है क्योंकि ये ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है एंड इसके बाद तुम्हें सिंपली अपनी रील को चूज कर लेना होगा। ये सारा तरीका सेम रहता है देन रिव्यू। एंड इसके बाद तुम्हें यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, सिंपली तुम्हें यहाँ से नेक्स्ट कर लेना होता है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपना कैप्शन देना है एंड यहां से तुम अपने हैशटैग को लगाना शुरू करोगे। इस तरीके से हैशटैग ऐड करने के बाद तुम्हें सिर्फ अपना एक पेज का हैशटैग भी ऐड कर लेना होगा लाइक मेरा है मनी शेकल्स। एंड यहाँ पे तुम्हें आल्सो शेयर टू फीड इसको इनेबल रखना है और कुछ यहाँ पे नहीं छेड़ना है। इजिली चले आओ रेकमेंड ऑन फेसबुक, मेक श्योर ये तुम्हारा इनेबल रहे। इससे होगा क्या, तुम्हारी रील फेसबुक के ऊपर भी दिखाई जाएगी। सो मेक श्योर तुम्हारा ये इनेबल रहे, उसके बाद तुम्हें इजिली यहाँ से शेयर कर लेना होगा। That's it. Here is the video guys. अब तुम्हें अच्छे से समझ लग गया होगा कि कैसे हमें अपनी रील्स को अपलोड करना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले। इंस्टाग्राम रील्स पर पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं ये भी नहीं मैटर करता। मैटर करता है तो सिर्फ ये, तुम्हारी रील्स के ऊपर व्यूज कितने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि आखिर हमें कौन लोग पैसे देंगे इंस्टाग्राम रील्स पर। तो होता क्या है, जब भी तुम्हारा इंस्टाग्राम पेज या अकाउंट ग्रो करता है तो उस टाइम काफी ज्यादा मात्रा में ब्रांड्स तुम्हें अप्रोच करते हैं। लेकिन ब्रांड्स तुम्हें अप्रोच करें इससे पहले ब्रांड तुम्हारे अकाउंट पर नजर डालता है एंड बाकी का भी कॉन्टेंट देखता है कि आखिर और भी कॉन्टेंट के ऊपर इसके व्यूज वगैरह आ रहे हैं या एक ही रील के ऊपर व्यूज आ रहे हैं। अगर तुम्हारे फॉलोअर्स चाहे 500 है लेकिन तुम्हारी रील्स के ऊपर एवरेज व्यूज 20K to 30K, कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी रील्स पर व्यूज होने चाहिए, फॉलोअर्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारी रील्स की रीच अच्छी है तो ब्रांड्स तुम्हें जरूर से कॉन्टेक्ट करेंगे और तुमसे एक रील का चार्ज पूछेंगे। अब तुम अपने हिसाब से एक रील का चार्ज उनको बता करके पैसे कमा सकते हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके रील्स पर 10,000 या 20,000 व्यूज आ रहे हैं, वो भी रेगुलर। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ जिसमें तुम्हें ब्रांड प्रमोशन तो करनी ही है लेकिन उसके साथ साथ तुम प्रोडक्ट प्रमोशन भी कर सकते हो। अब तुम सोचोगे मेरी रील्स पर व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन मेरे फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं है कि मुझे कोई प्रोडक्ट ब्रांड आके कॉन्टेक्ट करे, इतनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं हुई है। फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ब्रांड चल के तो नहीं आएगा लेकिन तुम तो ब्रांड के पास जा सकते हो ना। तुम अपनी रील्स के थ्रू उनके प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो अगर तुम्हारी रील्स पर व्यूज आ रहे हैं। तुम्हें कोई अलग से ब्रांड फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ Amazon के ऊपर चले जाना है और उनके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना है जो कि करना काफी ज्यादा आसान है। अब होगा क्या, जो भी प्रोडक्ट तुम प्रमोट करना चाहोगे थ्रू इंस्टाग्राम रील्स तुम्हें क्या करना है, उस प्रोडक्ट की रील एक बना लेनी है। तुम्हें आसानी से सोशल मीडिया पर ही वो प्रोडक्ट की रील्स मिल जाएंगी एक अच्छी खासी रील बना करके जिसमें तुमने बताया होगा कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसको अपलोड कर देना है और उसके कैप्शन में लिख देना है लिंक इन बायो। अब तुम्हें Amazon के एफिलिएट प्रोग्राम में चले जाना होगा और उस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करते हुए अपनी बायो में पेस्ट कर देना है। अब जो कोई भी बंदा तुम्हारे लिंक से उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो तुम्हें कमीशन मिलेगी और ये काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम रील्स। एंड इस सारे के सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। एंड अफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड अगर तुम डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो बढ़ते हैं हम अपने थर्ड मेथड की तरफ जिसको अप्लाई करके तुम डेली के 300 से 400 रुपए आसानी से बना सकते हो। इसके लिए तुम्हारी रील्स पर सिर्फ 10,000 या 20,000 व्यूज आना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारी रील्स पर 10,000 या 20,000 व्यूज आ रहे हैं रेगुलर बेस पे एंड उन्हीं में से अगर तुम्हारी कोई रील पर 20,000 से ज्यादा मतलब जो रेगुलर व्यूज आ रहे थे उससे ज्यादा व्यूज आए हैं तो अब तुम्हें यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। करना तुम्हें क्या है, सिंपली तुम्हें अपने कैप्शन में लिखना है 100 रुपीज पर स्टोरी। तुम्हें काफी सारे लोग डीएम करेंगे कि मैं अपनी स्टोरी लगवाना चाहता हूँ तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज या अकाउंट के ऊपर, लेकिन उससे पहले तुमसे लोग तुम्हारी स्टोरी के व्यूज का स्क्रीनशॉट मांगेंगे।
अब तुम सोचोगे कि यार मेरे स्टोरी पर इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं कि मैं उनको दिखा पाऊं, उसकी भी तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर तुम्हारी एक रील पर भी व्यूज आ रहे हैं ना एंड उसके नीचे अगर तुमने लिख डाला है ना 100 रुपीज पर स्टोरी, तो इससे होगा क्या, जो कोई भी तुम्हारा कैप्शन पढ़ेगा वो तुम्हारी स्टोरी जरूर देखेगा। उनके मन में भी क्यूरियोसिटी रहेगी कि आखिर ये स्टोरी भी अपलोड कर क्या रहा है जिसके ये 100 रुपीज मांग रहा है। और अगर किसी ने अपनी स्टोरी तुम्हारे पेज पर लगानी भी होगी तो उससे पहले वो तुम्हारी स्टोरी जरूर से देखेगा कि आखिर किसी ने अभी तक स्टोरी लगवाई भी है इसके अकाउंट पर या नहीं। तो इसी तरह से तुम्हारे स्टोरी व्यूज भी बढ़ते जाएंगे जिसका तुम आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के उन लोगों को सेंड कर सकते हो जो तुम्हारी स्टोरी पर अपनी स्टोरी लगवाना चाहते हैं। और ऐसे करके अगर तुम रोज की 4 या 5 स्टोरीज लगा लेते हो तो एक दिन का 500 रुपए तुम्हारा कहीं नहीं गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे व्यूज होने चाहिए तुम्हारी रील्स के ऊपर। तो काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करते रहते हैं कि आखिर हम आपके जैसे हाइलाइट्स कवर को कैसे बना सकते हैं। चाहे तुम्हारा इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पेज हो, चाहे तुम्हारा पर्सनल अकाउंट हो, तुम जो चाहो वैसा हाइलाइट कवर बना सकते हो। तो चलें, लेट्स गो। बेसिकली तुम्हें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड उस एप्लीकेशन का नाम है कैनवा। और ये वीडियो कोई कैनवा का स्पॉन्सर नहीं है, मैं अपने सारे के सारे काम कैनवा एप्लीकेशन में ही करता हूँ, दैट्स व्हाई आई गेस तुम्हें भी बता ही देना चाहिए। तो फिर आ जाओ फिर जल्दी से। ओके, तो कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद तुम्हें साइन अप वगैरह कर लेना एंड उसके बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड तुम यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स वगैरह देख सकते हो, लाइक लोगो, इंस्टाग्राम पोस्ट, मोबाइल वीडियो, मतलब काफी सारे हैं। तो हम यहाँ पे जो चूज करेंगे वो है लोगो, सिंपली डैब ऑन इट, क्योंकि हाइलाइट्स कवर बनाने के लिए हम लोगो का ही यूज करेंगे, इसी का साइज हाइलाइट कवर के लिए चलेगा। बेसिकली तुम्हें यहाँ पे भी टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, तुम इनमें से भी चूज कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें अपना खुद का अगर बनाना है तो सिंपली क्रिएट ब्लैंक एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने टेम्पलेट्स शो होंगे, तुम यहाँ से भी चूज कर सकते। बेसिकली मैं भी काफी ज्यादा टेम्पलेट्स का यूज करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये टेम्पलेट ले लेता हूँ एंड इनमें से भी हमें 2 कलर्स देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे ऑरेंज वाला यूज करूंगा एंड इस लोगो को डिलीट करने के लिए सिंपली इसके ऊपर टैप करने के बाद देन इसको डिलीट कर सकते हो। और अब तुम्हें अपना लोगो ऐड करना होगा, तो इजिली क्लिक ऑन प्लस वाला आइकन एंड देन गो टू एलिमेंट्स एंड यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो जो कोई भी एलिमेंट तुम्हें चाहिए, लाइक मुझे यहाँ पे ग्रोथ चाहिए। तुम्हारे सामने 2 आइकन आ चुके हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं एंड यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स तुम्हें पेड भी मिलेंगे और कुछ एलिमेंट्स फ्री रहेंगे। तुम यहाँ पे फ्री का यूज करो, फ्री में भी काफी अच्छे अच्छे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो सिंपली हम इसको चूज कर लेते हैं। इसका अगर हमें कलर चेंज करना है तो इजिली तुम्हें नीचे कलर का ऑप्शन भी दिखेगा, सिंपली टैप ऑन इट एंड यहाँ से तुम इसका व्हाइट यूज कर सकते हो, तुम कोई भी कलर रख सकते हो बेसिकली। एंड अगर तुम चाहो टेक्स्ट लिखना तो लिख सकते हो, अदरवाइज हाइलाइट्स कवर में टेक्स्ट वगैरह लिखना बिल्कुल बेकार है क्योंकि उनका साइज ही छोटा सा होता है, तो कौन टेक्स्ट पढ़ेगा। तो यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं और इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से एंड इसको सेव करने के लिए इजीली तुम्हें इस डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर टाइप करना होगा एंड ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तुम्हें जो भी एलिमेंट चाहिए तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो एंड अगर मैं यहाँ पे अचीव लिखूं एंड मैं यहाँ पे ये वाला एलिमेंट चूज करूंगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं इनटू व्हाइट एंड अब हम इजीली अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से इजीली तुम्हें अपने हाईलाइट के ऊपर होल्ड करना होगा एंड यहाँ पे तुम्हें एडिट हाईलाइट के ऊपर टैप करना होगा एंड यहाँ पे एडिट कवर एंड देन गैलरी एंड यहाँ से तुम अपने हाईलाइट कवर को सिलेक्ट करके अपने हाईलाइट कवर को एडिट कर सकते हो एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो हाईलाइट कवर हमारा सेट हो चुका है। 26th of May 2022 को मैंने एक अनाउंसमेंट करी थी कि आपके लिए मैं एक फुल कोर्स लेके आऊंगा अबाउट इंस्टाग्राम मोटिवेशनल पेज और उस कोर्स में मैंने अपने सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करी थी जो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करने के लिए अप्लाई करी थी। और आप सबको मैंने बोला था कि आप एक इंस्टाग्राम का न्यू पेज क्रिएट करो और उसको हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे और मैंने भी आपके साथ एक न्यू पेज क्रिएट कर लिया था। सबसे पहले तुम्हें एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है ऑन इंस्टाग्राम। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैंने भी एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिया है और तुम्हारे सामने उसको ग्रो करके भी दिखाऊंगा, सब कुछ सारी की सारी स्ट्रेटजीज उसी के ऊपर अप्लाइड होंगी। और मैंने भी आपके साथ एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर लिया था और उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। उस टाइम पर इस अकाउंट के ऊपर 11 फॉलोअर्स थे और अब 2000 से ज्यादा हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के रिसेंट नोटिफिकेशन एंड अगर मैं इनमें से कोई रील ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप इसके लाइक्स भी देख सकते हो जो कि मैंने 1 वीक पहले ही अपलोड करी है और अभी तक इसके ऊपर लाइक्स आ रहे हैं। बेसिकली जो भी मैंने अपने कोर्स में आपको बताया था सेम स्ट्रेटजीज मैंने इसी अकाउंट के ऊपर अप्लाई करी हैं और पहले भी वही करता आ रहा था क्योंकि मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करी थी। मैं इस अकाउंट के ऊपर 2 मंथ से काम कर रहा हूं और 2 मंथ में मैंने 120 रील्स अपलोड कर दी हैं। क्या आप कर सकते हो 100 रील्स डालने के बाद मुझे
कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली। पास्ट एक वीक से मुझे अच्छी खासी रीच मिल रही है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, आप सब खुद ही देख सकते हो। तो इसलिए आपको सिर्फ राइट स्ट्रेटेजीज के साथ कंसिस्टेंटली वर्क करते जाना है, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। अगर आप मेरे इस अकाउंट के ऊपर विजिट करते हो तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करी है। मैंने यहाँ पे हर वीडियो रेमिक्स की है। यस यू आर थिंकिंग राइट, रेमिक्स इज न्यू फीचर ऑफ इंस्टाग्राम, आपको इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंस्टाग्राम का न्यू फीचर होना तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूज कर लो, उसका एडवांटेज आपको लेना चाहिए। वैसे अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम रेमिक्स फीचर का यूज कर सकते हैं, बेसिकली रेमिक्स काफी टाइप के आ चुके हैं अभी, पहले तो सिर्फ एक रेमिक्स रहता था, अब रेमिक्स के भी चार पार्ट्स बन चुके हैं। तो आपको लेआउट वाला रेमिक्स यूज करना है। सबसे पहले आपको मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता हूँ और उसमें मैं आपको एक रील दिखाता हूँ जिसको देखकर आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। आप इस पर देख सकते हैं 94 के लाइक्स आ चुके हैं, जबकि इस बंदे ने अपनी वीडियो भी नहीं डाली, सिर्फ और सिर्फ इसने ट्राई रिमिक्स किया है जो कि नया फीचर इंस्टाग्राम का, और आप खुद ही इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगर मैं एक्चुअल रील की बात करूं जो कि मेरे अपने पेज की रील है, आप यहां पे देख सकते हैं मेरी खुद की रील पर 55 के लाइक्स हैं, और इस बंदे ने रिमिक्स करके अपने अकाउंट के ऊपर ये वीडियो डाली और 94 के लाइक्स अपनी रील के ऊपर लेके चला गया। मैं काफी ज्यादा हैरान परेशान था इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए आज इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर ये ट्राई रिमिक्स का फीचर यूज करके अच्छे खासे व्यूज बढ़ा सकते हो। तो चलें, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ट्राई रिमिक्स का फीचर हमें कहां से मिलेगा और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी रील को फाइंड कर लेना होगा, एंड देन क्लिक ऑन 3 डॉट्स, एंड देन गो टू रिमिक्स, और यहाँ पे आपको अपना फ्रंट कैमरा ओपन करना होगा सबसे पहले, एंड देन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, और यहाँ पे आपको लेआउट वाला क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी रील हाजिर हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, अपने फ्रंट कैमरा के आगे सिंपली आपको अपनी फिंगर को प्लेस करना होगा, एंड देन क्लिक ऑन रिकॉर्ड। आपको अपनी रील को रिकॉर्ड करते जाना होगा जब तक ये एंड ना हो जाए। यहां से आपको नेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इजिली साउंड वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, एंड देन यहां से आपको कैमरा ऑडियो को बिल्कुल जीरो कर लेना होगा, और यहां से आपको डन कर लेना होगा, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे अपने कैप्शन वगैरह ऐड करने के बाद आपको इजीली यहाँ से शेयर कर लेना होगा। रिमिक्स फीचर ये न्यू फीचर है, इसलिए इंस्टाग्राम इसको ज्यादा पुश कर रहा है, तो आपको इसको जल्दी से जल्दी यूज करना होगा। अगर आपके इंस्टाग्राम में ये फीचर अभी तक अवेलेबल नहीं है तो आपको सिर्फ अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना है और ये फीचर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में हाजिर हो जाएगा। एंड अगर मैं आपको आज की डेट की अकॉर्डिंगली बताऊं कि ये पेज आखिर अब तक कहां पे पहुंचा है, तो सबसे पहले आप डेट देखिए कौन सी है, 7th of September 2022। तो अब हम चलते हैं इसके प्रोफाइल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 13.4K फॉलोअर्स इसने कंप्लीट कर दिए हैं। एंड अब मैं आपको रील्स के व्यूज दिखा देता हूँ थोड़े बहुत, जिससे आप थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। एंड अब मैं आपको थोड़ी सी रीच दिखा देता हूँ इस अकाउंट की। आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट रीच, इंगेजमेंट, फॉलोअर्स कितने बड़े कितने बड़े, आप सब कुछ देख ही सकते हो अपनी आंखों से, सब कुछ आपके सामने कर दिया गया है। और आपको पता ही, आपके साथ ही मैंने ये पेज स्टार्ट किया था, सब इसी कोर्स में मैंने सब कुछ आपको बता के रखा है। लगातार यहाँ पे लाइक्स आते जा रहे हैं, मैं कोई भी रील को ओपन करके दिखा देता हूँ। आई होप अब आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि कैसे हम इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर काम करके पैसे कमाने हैं। वैसे पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मेक श्योर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, और नए नए तरीके भी आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं, आपके पास ऑडियंस है, तो आगे चलकर आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, काफी अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हो। बाकी अगर आपको इंस्टाग्राम के रिलेटेड आगे भी अपडेट्स चाहिए कि टाइम टू टाइम कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब तुम्हें कर लेना चाहिए। ओके, बाय।